इधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सांसद अरविंद शर्मा पर भी निशाना साधा। वो होगा जिताऊ दिन और जिताऊ समय। जिताऊ दिन और जिताऊ समय पे जिताऊ कैंडिडेट हमारे आएंगे और कांग्रेस पार्टी के हम बिल्कुल अपनी रणनीति के तहत, हमारी रणनीति देखो आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेशन कब से, लास्ट डेट का है, तो आप समझ सकते हैं भाई हमारा संवैधानिक, हाँ तो उससे पहले सही सारा ही सही समय तो हमारे तो जो कह रहे हैं लेट, भाजपा वाले जो लेट कह रहे हैं तो लेट कहाँ से हुआ, लेट तो जो है उन्होंने समय निर्धारित तो इलेक्शन कमीशन ने किया, बीजेपी क्या करेगी समय निर्धारित, तो सही उससे पहले सारा समय नहीं वो है, तो हम अपने ठीक टाइम पे करेंगे। एक और चीज़ है, लोगों को भी हकीकत पता है, 5 साल उनका आवागमन हमारे हल्के में नहीं रहा। लोकसभा क्षेत्र एक एक गाँव में मैं जाता हूँ, मैं एक एक शहर एक कॉलोनी में जाता हूँ, वो 5 साल में वो आए गए नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते। वो केवल जो इनकी पार्टी के औपचारिक प्रोग्राम थे उनमें आते थे, मगर कहीं इन्होंने धन्यवादी दौरा भी 5 साल में एक एक जगह जो करना चाहिए था एक एक जगह जाके नहीं किया। दूसरा हैं, और इस बात को वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं, अपने उनके आप बयान देखेंगे तो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाया इन 5 साल में, मैं उतने अच्छे से नहीं जा पाया, मैं आगे जाएंगे, वो खुद ही कह रहे हैं इस बात। तो वो तो बात अच्छा, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छा। ये भी है, अब हमें ये नहीं समझ में आता, बहुत जगह ये बातें हमारे सामने आ रही है कि वो गए नहीं लेकिन लोग उनसे मिले, उन्होंने हाँ भरी कि जिस ग्रांट की, वो ग्रांट भी नहीं पहुंची, ये एक और मैं आपको बता रहा हूँ। ना सिर्फ उन्होंने खर्च नहीं किए लेकिन जहाँ उन्होंने आश्वासन दिया वहाँ वो ग्रांट नहीं पहुंची, तो ये कहाँ उनकी कार्यशैली में चूक रही, इस पर उनको आत्मंथन करना चाहिए। दीपेंद्र जी करनाल को भरोसा किया उनके ऊपर फिर से टिकट दे दी। देखिए ये रोहतक की सीट आपने शायद जब इनका गठबंधन टूटा था धीरेन्द्र जी, तो आपने देखा होगा कि ये बात भाजपा ने भी कोई मन से उनको नहीं उतारा है, ना वो खुद मन से आए हैं यहाँ, सब जानते हैं कि उनका मन कौन से लोकसभा क्षेत्र में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी और लोकसभा क्षेत्र में उनका मन पिछली बार भी था, इस बार भी शायद इसीलिए नहीं आए 5 साल। वो जब गठबंधन टूटा तो दुष्यंत चौटाला ने हिसार में अगले दिन ये कहा कि जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया और कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जजपा के लिए, लेकिन जजपा वालों ने कहा कि हम रोहतक नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये हारी हुई सीट है, उन्होंने गठबंधन ही छोड़ दिया रोहतक के नाम पे। तो भाजपा रोहतक छोड़ रही है जजपा के लिए, जजपा रोहतक छोड़ रही है भाजपा के लिए, मगर रोहतक के लोगों का के आशीर्वाद को अंतिम जीवन की सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ सकता, हम नहीं छोड़ सकते, ये फ़र्क है। इसीलिए ये मन से कोई ना तो भाजपा ने उतारा उनको, क्योंकि भाजपा तो मन से ही सीटी छोड़ना